आज राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में जनसभा की। यहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को हम उठाकर फेंक देंगे, देश को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। इसी के साथ ये भी दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए 400 तो क्या 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा की। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग बात करते हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, 400 सीटों का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ ही राहुल ने ये भी ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना सबसे पहले बंद की जाएगी, इसे उठाकर फेंक दिया जाएगा, देश को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा है वो हम गरीबों को देंगे। नरेंद्र मोदी आपका ध्यान भटकाकर देश का सारा धन अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट, बिजली खदान, सोलर विंड पावर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी को सौंप दिया है। वहीं सभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, पहला फेज हम जीत चुके हैं और दूसरे में भी हम जीत रहे हैं। बता दें कि भागलपुर से इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा हैं। यहां उनका मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी और सिटिंग सांसद अजय कुमार मंडल से है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।